अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीद मलिक, खालिद स्वयं मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शटल की सेटिंग के हवाले से। बहुत ही एक हमारे अच्छे क्लाइंट हैं जिनकी ये डिमांड पे हम वीडियो कर रहे हैं। आज हम बताएंगे कि अगर आपका जो शटल है, सेटिंग है, बार बार ये मशीन का शटल घूम जाता है, ये जो चीज़ घूम जाती है, तो इसको सेट कैसे करना है, दीगर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कोशिश करनी है एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके। ये टूल अगर आपके पास नहीं है, सिंपल एक पेचकस जिसे हम बोलते हैं वो है, तो उससे आप ये दोनों स्क्रू खोल सकते हैं। ये प्लेट को इस तरह से आपने ऊपर कर देना है, ऊपर उठा लेना है, और ये शटल का एरिया आपने एक दफ़ा निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ से क्लीनिंग करनी है अच्छी तरह। क्लीनिंग करने के बाद आप इस एरिया को ऑयलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप इसकी क्लीनिंग करें। क्लीनिंग के बाद आप इसको ऑयलिंग करें यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपकी शटल के ऊपर जैसे ये सुइयाँ लग जाएँ, इस एरिया में सुइयाँ लग जाएँ, आपने एक सिंपल रेक मार लेना है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। ये देख सकते हैं, ये 150 नंबर का बारीक रेक मार है। इसको आपने बड़े प्यार से रब करना है इस तरीके से, जहाँ पे नीडल लगी हो इस अच्छे तरीके से, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं करना कि आपका पार्ट ख़राब हो जाए। इस तरीके से आप रफ कर लें जहाँ जहाँ नीडल आपको नज़र आए। नीचे के एरिया में बड़े प्यार से आप उस तरीके से उस लाइनों को इस तरीके से रेक मार से साफ़ कर लें। तो इससे भी ये होता है कि आपकी मशीन धागा बार बार तोड़ेगी। अगर यहाँ पे बुर पैदा हो जाएगी, मशीन रिज़ल्ट सही नहीं देगी, इसके अलावा टांका भी ख़राब कर सकती है। तो ये हमने जैसा कि पहली चीज़ आपको बताई, उसके बाद आपने आगे जैसा कि ये मेरे पास शटल है, इसको आपने नीचे वाले एरिए को अच्छी तरह आयलिंग करनी है। आयलिंग करने के बाद आपने इस एरिए को इस तरह से अंदर सेट करना है। अगर ये आपसे सेट करना नहीं आ रहा तो आप इसको दोबारा से, ये दोबारा बता देता हूँ, इस तरीके से आपने इसको इस तरह सेट करना है। यहाँ पे ये इसका जो एक पॉइंट है बहुत ही अहम है। अगर ये पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर भी आपकी मशीन काम नहीं करेगी। अगर ये दूर है तो आपकी बार बार जो घूमने की वजह होती है शटल की, उसकी वजह ये होती है कि ये जो एरिया है, ये होता है थोड़ा सा बाद वक्त किसी भी वजह से ये दूर हो जाता है। जैसा कि ये पीछे हटा हुआ है, मिसाल ये पीछे हटा हुआ है, तो ये आपका शटल बार बार इस तरह घूम जाएगा, ये इसका बार बार घूम जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो एरिया है इसको लूज़ करना है, और अगर ये जैसा कि ये थोड़ा सा ग्रिप बाहर आ गई है, इसकी चोंच बाहर आ गई है, इसको बड़े प्यार से आपने इसके अंदर एंटर करना है। इस तरह ये चोंच को अंदर करना है, ये जो इसकी ये एज है, उसके बाद आपने इसको कसना है, और इस तरीके से कसना है कि इसके दरमियान यहाँ पे खला हो थोड़ा सा, बिल्कुल भी साथ ना जुड़ी हो कि आपकी मशीन का धागा निकालना मुश्किल हो जाए। अगर ये दूर, ज़्यादा दूर होगी तो घूमेगी आपकी शटल। अगर ये बिल्कुल जुड़ी होगी साथ, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ से थ्रेड निकलने का एरिया थोड़ा सा है, तो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। और ये चोंच जैसे मैंने अंदर की है इसकी, ये प्लेट की, ये इसको कभी भी नहीं भूलना, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इसके बगैर आपकी मशीन काम नहीं कर। ये चोंच को इसके अंदर खला में करना है, और ये जैसा कि ये एक यहाँ पे इसका शटल का एरिया जो है, जो इसके साथ अटैच होता है, जहाँ से ये शटल घूमने आगे नहीं जाती, इसने, इस पार्ट ने इसको थ्रेड आसानी से यहाँ से गुजर सकता है। तो आप इसको यहाँ पे मजबूत कर लें, पेज का दोबारा अच्छी तरह से इसको टाइट कर लें, ताकि आपका शटल वो सही तरह मशीन काम कर सके। ये थोड़ा सा टाइट करने के दौरान भी थोड़ा सा साथ जुड़ गया है, तो दोबारा से थोड़ा सा पीछे इसको करके आप इसको सही जगह पे इसको आपने कसना है जी। थोड़ी सी मिस्टेक का भी मकसद ही होता है आपको समझ आ सके। अगर ये बिल्कुल साथ इसके अटैच कर देंगे फिर भी गलत है, इसमें ये इस तरह ये मूविंग होनी चाहिए। और एक ये पीछे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको रोकता है इस तरफ ना जाए, ये वाला,
तो इसको भी सही तरह टाइट करें और ये जो चीज़ है इसको भी सही तरह से कसा हो। ये किसी भी मॉडल पे ये चीज़ आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आपके पास सिंगर की जिगजैग ओपन शटल वाली कोई भी मशीन है, आप उसके ऊपर ये वीडियो से उसका शटल एरिया ठीक कर सकते हैं। ये प्लेट को दोबारा टाइट करना है और हमारे लिए दुआ करनी है, बस इतनी सी बात है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो का लिंक आप तक पहुंचे। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी क्या करें, क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का ज़रिया बनती है। आपका बहुत शुक्रिया लाइक करने का। इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आप लिख के लिए और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना सकें। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरीके से आप इन दोनों स्क्रू को टाइट कर लें और ये एक सर्विस का तरीका भी है, समझ लो कि ये एक सर्विस का तरीका भी है। तो ये थी आज की वीडियो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।